जब कोई लड़का ये सुन ले कि उसका फीमेल पार्टनर या उसका गर्लफ्रेंड किसी की किसी अन्य के साथ शारीरिक रिलेशनशिप में रह चुका है, तब उस लड़की के मन में अलग अलग बातें उत्पन्न होने लगती है। वो अपने जीएफ के बारे में अलग अलग चीजें सोचने लगता है। देखिए, इन्हीं मिथ्याओं को दूर करने के लिए आज का सबसे मजेदार वीडियो लाया हूं। और इस वीडियो के माध्यम से कुछ नहीं है, बहुत सारा तरीका नहीं बताऊंगा, मात्र एक ऐसे तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से ये जांच कर पाएंगे कि आपका जो फीमेल पार्टनर है, जो आपका जीएफ है, वो पहले किसी के साथ शारीरिक रिलेशनशिप में रह चुका है नहीं, जिसको हम लोग आम भाषा में कह सकते हैं सील का टूटना। तो चलिए समझते हैं आखिर कि कैसे जानकारी हासिल करें कि आपका फीमेल पार्टनर कभी किसी के साथ शारीरिक रिलेशनशिप में रहता है या नहीं रहता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि यदि आप इस बात को समझना चाहते हैं कि उनका जो सील है वो टूटा है या नहीं, इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले फीमेल्स जननांगों को समझना होगा। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई तरीका आपको नहीं चाहिए यह जांच करने का कि आपका फीमेल पार्टनर किसी अन्य के साथ शारीरिक रिलेशनशिप में रह चुका है या नहीं। चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, फीमेल जननांगों का चित्र है। इसके माध्यम से मैं आपको ये दर्शा रहा हूं कि सबसे पहले भाग यानी जननांगों का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको वल्वा कहते हैं, और वल्वा के जस्ट जो बगल भाग होता है उसको वेजाइना, जिसको योनि कहते हैं। और वल्वा और वेजाइना के बीच में जो झिल्ली पाई जाती है उसका नाम होता है हाइमन झिल्ली, और यही इसी हाइमन झिल्ली को हम लोग कहते हैं सील का टूटना। ये जब टूटता है तो इसी को कहा जाता है, लेकिन गलत मिथ्या यहां पर आपके दिमाग में बैठ जाती है जिसके कारण से आपको गलत जानकारियां मिलती है। इस बात को समझिएगा कि हाइमन झिल्ली का काम क्या होता है, कैसे टूटता है, ठीक है। इन सब चीजों की जानकारी दूंगा। इसके बाद जस्ट आगे जाइएगा तो आपको यूटेरस मिलेगा, जिसको गर्भाशय कहते हैं। इसी गर्भाशय में जब निषेचन होता है अंडाणु, और जब ये अंडाणु और शुक्राणु का जब निषेचन होता है तो ये फिलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, और वहां से क्या होता है, गर्भाशय में आकर भ्रूण का विकास होता है, धीरे धीरे बच्चा का ये रूप लेता है, इसको यूटेरस कहते हैं। इसके जस्ट वाले ये वाला जो ऊपर वाला भाग है इसको फिलोपियन ट्यूब कहते हैं, फिलोपियन नलिका कहते हैं। और यहां पर जो दो साइड आपको दिखा रहा है इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर जो होता है ना ओवम होता है, मतलब अंडा होता है। ये फीमेल जननांगों का आपका चित्र था। एक बार और समझा रहा हूं, समझिए ध्यान से। जब कोई मेल किसी फीमेल पार्टनर के साथ सेक्स करेगा तो सेक्स करने के बाद क्या होता है, उसका सबसे पहला जो पेनिस होता है वो कहां, वल्वा से होते हुए अंदर कहां जाएगा, हाइमन झिल्ली को तोड़ते हुए कहां जाएगा, वेजाइना से अंदर जाएगा। और अंदर जाने के बाद क्या होता है, एक शुक्राणु छोड़ता है, और ये जो शुक्राणु होता है ये अंडाणु से आके क्या करेगा, निषेचन करेगा। जब अंडाणु से शुक्राणु निषेचन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक भ्रूण का विकास होगा। वो भ्रूण एंड जो निषेचित अंडा होगा वो कहां चलाएगा, यहां गर्भाशय में चलाएगा, और यहीं पर धीरे धीरे इसका विकास होने लगता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया। लेकिन अब जैसा समझते हैं, कैसे आप पता करेगा, कैसे पता करेगा कि आपका जो फीमेल पार्टनर है वो किसी अन्य के साथ शारीरिक रिलेशनशिप में रहा है या नहीं। चलिए समझते हैं इस बात को। देखिए, सबसे पहली बात समझिए कि देखो, जननांगों का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको वल्वा कहते हैं। फीमेल्स के जननांगों का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं। और वल्वा के जस्ट नीचे जो झिल्ली पाई जाती है उसका नाम होता है हाइमन झिल्ली, यानी कहने का मतलब वल्वा और वेजाइना, वल्वा और वेजाइना के बीच में एक झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम होता हाइमन झिल्ली। ये जो हाइमन झिल्ली इतना पतला होता है कि खेल कूद में या साइकिल चलाने से या कोई भारी मतलब खेल कूद वाला फान कूद का काम करने वाला जो लड़की होगी, जो फीमेल्स होगा, उसका हाइमन झिल्ली टूट जाता है। जैसे मान लीजिए जो लड़की बिहार पुलिस का, जो आर्मी का, जो फौज का तैयारी कर रही है, वो हमेशा कूद फान करते रहती है, तो उस कंडीशन में उस फीमेल्स पार्टनर को, उस लड़की को यह हाइमन झिल्ली देखने को नहीं मिलती है। कई बार क्या होता है कि अगर कोई मतलब कई बार क्या होता है कि कोई लड़की अगर वो किसी के साथ पहले भी सेक्स नहीं की है तो वो जो पहले सेक्स नहीं की रहती है, सॉरी देखिए पहले सेक्स नहीं, कोई भारी कूद फान नहीं की है, चाहे कोई भारी काम नहीं की है वो, तो उस कंडीशन में ये हाइमन झिल्ली नहीं टूटा रहता है, जिसके कारण से जब पहली बार सेक्स किया जाता है तो ये हाइमन झिल्ली टूट जाता है, और उस कंडीशन में फीमेल्स पार्टनर को दर्द होता है, जिसके कारण से लड़का कहता है कि वाह हमारा तो चकाचक है, वो किसी अन्य के साथ कभी शारीरिक रिलेशनशिप नहीं बनाया। ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं कि आपका फीमेल पार्टनर उसके साथ शारीरिक रिलेशनशिप बनाएंगे तो उसको दर्द होगा, तभी जाकर आप जांच कर पाएंगे कि भैया वो आपका जो फीमेल्स पार्टनर है वो एकदम ठीक है। नहीं, इसका ये कोई अर्थ नहीं है। देखिए, ये जो हाइमन झिल्ली होता है ये जो होता है ना इतना पतला होता है कि मतलब खेल कूद फान साइकिल को चलाने से टूट जाता है। आजकल फीमेल्स तो सब कोई साइकिल चलाते हैं, कूद फान करते हैं, सब कोई करता है। तो ध्यान दीजिए, इस मिथ्या से दिमाग हटा लीजिए कि आपका जो फीमेल्स पार्टनर है वो सेक्स करते समय यदि उसको दर्द कर रहा है तभी जाकर समझिए कि वो आपका क्या चकाचक है। नहीं, ये गलत मिथ्या। देखिएगा, खेल कूद फान में टूट जाते हैं तो ऐसा नहीं कि अगर उस समय दर्द हो रही है तो समझिए कि एकदम ठीक है, नहीं तो नहीं, ये गलत मिथ्या। देखिएगा, देखो तो मैंने आपको ये बता दिया कि हमारे दिमाग में यही झिल्ली जो होता है ना एक सील का रूप लिए बैठा रहता है कि अगर उस समय दर्द किया तो बाप ठीक है, और नहीं किया तो
समझिए कि ये तो ये गलत चीज है। देखो हाइमन झिली आते क्या होता है, टूट जाता है आसानी से, ये आसानी से खेल कूद कूद फान साइकिल चलाने से सब फीमेल्स में टूट जाता है, जिसके कारण से आप ये साबित नहीं कर सकते हैं। अगर किसी फीमेल्स पार्टनर को समझिए, अगर किसी फीमेल्स पार्टनर को आप सेक्स करें उसको दर्द नहीं हुआ, तो उसमें आपको बोलेंगे कि ये दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है। नहीं, देखिए अगर आपको जानना है कि किसी अन्य के साथ वो शारीरिक रिलेशनशिप में रह चुकी है, तो ध्यान दीजिएगा बस एक ही कंडीशन है। वो कौन सा कंडीशन है? देखो हाइमन झिली टूटे हो या न टूटे उससे कोई मतलब नहीं है। जब किसी फीमेल्स पार्टनर के साथ पहली बार शारीरिक रिलेशनशिप बनाएगा तो उस समय थोड़ा सा भी दर्द फील होगा, उस समय उसको थोड़ा सा भी दर्द फील होगा। और दूसरी बात है, वो जल्दी आपको सेक्स करने नहीं देगी। याद रखिएगा, जल्दी पुरुषों का जो पेनिस होगा वो वल्वा से होते हुए वेजाइना में अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे, क्योंकि पहली बार बहुत श्रम बहुत लज्जा आती है। याद रखिए फीमेल्स पार्टनर को यही तरीका है। ये नहीं कि किए कर रहे हैं उसको दर्द हुआ तो भाई ठीक है, नहीं तो नहीं, ये गलत मिथ्या है। अगर उसको जांच करना है कि सच में वो रियलिटी में आपका किसी अन्य के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, तो उस समय पहली बात इसी बात का ध्यान रखना कि अगर पहली बार कर रहा है तो उसको हल्का कुछ ना कुछ दर्द होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि वो जो फीमेल्स पार्टनर होगा जल्दी आपको ये वाला सेक्स फ्रंट सेक्स नहीं करने देंगी, ये बस जल्दी नहीं कर मतलब आज नहीं तो कल तक 10 दिन के बाद करने देंगी, लेकिन शुरुआत में आपको नहीं करने देंगी। अगर करने भी देंगे तो अंदर बहुत अंदर तक नहीं जाने देंगी, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो चीजें हैं यही इसी मतलब तरीके के माध्यम से आप जांच कर सकते हैं कि आपका फीमेल्स पार्टनर जो है वो सेक्स कभी किया है या नहीं किया है। और ये दिमाग में हटा लीजिए कि सेक्स करते समय दर्द होगा तभी जाकर आप बोलेंगे कि उसका सील या ये फलाना टूटा फूटा है, नहीं, ये गलत मिथ्या। देखिएगा बस इस बात का ध्यान रखिए, पहली बार सेक्स करेंगे अगर आपका फीमेल्स पार्टनर पहली बार आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो इसका ये मतलब हो गया, इसका जांच करने का ये तरीका है, पहली बार करते हैं तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसको दर्द होगा। अगर इससे पता नहीं चला तो सिंपल सी बात है कि अगर सेक्स करेंगे तो आपको वो करने नहीं देंगी जल्दी, अगर करने भी दे रही है तो आपके पेनिस को अंदर जाने नहीं देंगी ज्यादातर, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, मुझे विश्वास है कि ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि आप जांच कैसे कर सकते हैं कि आपका फीमेल्स पार्टनर जो है वो किसी अन्य के साथ रिलेशनशिप में रहा है या नहीं है। यदि आप मुझसे किसी अन्य टॉपिक पर कोई और चीज पूछना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।